क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज और गेंदबाज अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में खेली जा रही मजांसी सुपर लीग 2019 में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। इस लीग में साउथ अफ्रीकाई टीम के गेंदबाज ने एक बड़े बल्लेबाज का विकेट चटकाया। उसके बाद सेलिब्रेशन में जो कर्तव्य इस गेंदबाज ने दिखाया वो किसी जादू से कम नहीं था। दरअसल MSL में पार्ल रॉक्स के लिए खेलते हुए तबरेज शमसी ने विपक्षी टीम डरबन हेट के बड़े बल्लेबाज डेविड मिलकर का विकेट लिया। इस विकेट को लेने के बाद तबरेज शमसी बीच मैदान पर ही जादूगर बन गए। साउथ अफ्रीकाई टीम के लिए खेलने वाले तबरेज शमसी ने सेलिब्रेशन के दौरान हाथ से रुमाल निकाला और उसे एक लंबी छड़ी के रूप में बदल दिया। शमसी की इस मैजिक ट्रिक को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान हो गया। जबकि मजांसी सुपर लीग 2019 के 24वें लीग मैच में तबरेज शमसी की टीम पार्ल रॉक्स को हार मिली। डरबन हीट ने पार्ल रॉक्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त देकर लीग में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। ऐसे में कह सकते हैं कि डेविड मिलकर के आउट होने से टीम को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शमसी के इस जादुई शक्ति प्रदर्शन से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस वीडियो को खुद MSL ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। बता दें कि तबरेज शमसी इस मुकाबले में काफ़ी महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने 2 विकेट चटकाए। 4 ओवर के अपने कोटे में शमसी ने 37 रन खर्च किए। ये मुकाबला बहुत ही हाई स्कोरिंग था क्योंकि पार्ल रॉक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कैमरोन डेलपोर्ट की 84 रन की कप्तान फॉफ डुप्लेसी की 66 रन की पारी के दम पर 195 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन डरबन हिट ने एलेक्स हेल्स के 97 रनों के दम पर यह लक्ष्य को हासिल कर लिया।